तो चलिए भाई, आज फिर से हम आपको सब्जी मंडी की सैर कराते हैं शाहदरा ईस्ट दिल्ली की। और ये सब्जी मंडी क्या हुआ कि आज फिर से सब्जियां ख़त्म हो चुकी थीं और सब्जी लानी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हर घर की ज़रूरत है ना। लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आई थी उस दिन तो भाई सब्जी जो रेट थे वही मैं बता रही हूँ आपको। और बस सब्जी लेने निकल पड़ती हूँ तो पालक का रेट है 20 रुपये किलो, हमने भैया से पूछा, मूली का रेट था 40 रुपये किलो, और हरे पत्ते की सब्जियाँ तो आप समझ ही सकते हैं कितनी बढ़िया लगती है खाने में। सब्जी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है आजकल, तो फिर मेरे को जाना पड़ता है, तो सोचती हूँ भाई जा रहे हैं तो फिर आप लोगों के लिए रेट भी बता देते हैं। यहाँ पे मटर, यार मटर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अभी जून के महीने में इतनी सस्ती मटर वो भी कभी नहीं ली। 30 रुपये किलो यार, 30 रुपये किलो मटर, 30 ही थी शायद, 30 या 20 थी, इतनी सस्ती मटर, ओ माय गॉड। और तोरई का रेट था जी सिर्फ 20 रुपये किलो। और ऐसा नहीं था मंडी में, जहाँ से मैं ये सब्जी लेकर आती हूँ ना, वहाँ फ्रेश सब्जी आती। देखिए आप कितनी सारी कटहल रखी हुई है, कटहल भी 30 से 40 रुपये किलो था, और कटहल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास मिल रहा था। मैं आपको क्या बताऊँ, कटिंग करके ये अंकल दे रहे थे, और इतनी सारी कटहल इनके पास रखी हुई थी, बहुत सारी। ये भैया भी कटहल सेल कर रहे थे, बेच रहे थे, और बहुत ही बढ़िया कटहल थी। और सच में कटहल का रेट भी सुनकर ताज्जुब हुआ, 30 से 40 रुपये। और बैंगन तो सिर्फ अंकल जी दे रहे थे 20 रुपये किलो, है ना। और टमाटर, टमाटर का तो रेट ही मत पूछो, बस 20 रुपये 30 रुपये। जो देसी वाला था उसका रेट था 20 रुपये, और जो विदेशी सलाद वाला टमाटर होता है ना उसका रेट था जी 30 रुपये, और बाकी जो टमाटर थे उसका रेट था 15 रुपये। और भैया के पास हमने पता करी, मटर बहुत फ्रेश एकदम, और पालक भी फ्रेश था, 30 रुपये किलो और 40 रुपये किलो, पालक 20 रुपये किलो था, बहुत सस्ता था। और इन भैया के पास भी हम आगे जैसे मंडी में थोड़ा सा बढ़े, तो फिर हमने देखा यहाँ पर भी हमने कटहल का रेट मालूम करा। पहले मैं 2-3 जगह पता करती हूँ कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है, फिर जब ही खरीदती हूँ। यहाँ पर आलू 40 रुपये के 5 किलो आलू थे, ये पूरा आलूओं का गोदाम है, आप ये समझ लीजिए इतना सस्ता आलू था यहाँ पर, है ना। तो सस्ती मतलब, मैं देखिए सब्जी कभी भी मैं एक जगह से नहीं लेती हूँ कि बस एक जगह गए सब्जी खरीदी और छुट्टी, सब्जी को अच्छे से देख परख के लेती हूँ। और यहाँ इस मंडी में हर रोज़ बहुत फ्रेश सब्जी आती है। आंवला बहुत सस्ता था, ये कच्ची हल्दी है, और मैं कच्ची हल्दी लेकर आती हूँ अक्सर सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि सब्जी में डाल लो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। सभी सब्जियों में नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं डालती हूँ। जैसे ये मैंने अब 10 रुपये की, आप यकीन मानेंगे 10 रुपये की इतनी सारी हल्दी आ गई, और आप पिसी हुई लेने चले जाओ, है ना। 50 रुपये की 250 ग्राम कम से कम आती है, 200-250 रुपये किलो सब मिलती है। और कच्चे केले 20 रुपये किलो, भाई साहब आलू क्यों खाते हैं, मैं तो कहती हूँ कच्चे केले ही खाने हमें शुरू कर देने चाहिए। और इन भैया को तो मैं पैसे ही देने भूल गई, पहले मैंने कहा भैया मटर दे देना, भैया ने बताया 30 रुपये किलो, मेरे को अच्छा लगा, मैं उनसे बस बातें करने लगी, और बातों बातों में पैसे देने ही भूल गई। फिर भैया कह रहे अरे पैसे तो दे कर जाओ। यहाँ पर मैंने इन भैया से पूछा करेले, भिंडी, कह रहे कुछ भी आप भिंडी करेला बैंगन कुछ भी ले सकते हो, और इन तीनों का ही रेट 30 रुपये है। फिर हम और थोड़ा आगे चले, यहाँ पे ये बच्चा बेच रहा था मसाले, पिसे हुए मसाले मंडी में, मतलब सब्जी मंडी में, है ना, बाजार में। और हमने देखा यहाँ पे सोयाबीन भी थी, लाल मिर्च, गरम मसाला, सभी कुछ था, है ना। फिर हम और थोड़ा सा और आगे चले, टमाटर बेच रहा था, वही 20 रुपये किलो थे। और यहाँ पे बन रही थी गर्मा गर्म टिक्की, जिसे खाने का मेरा मन तो बहुत बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं टिक्की खा लूँ, लेकिन फिर मैंने खाई नहीं। और यहाँ पे